हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत नापाक मंसूबे कि वो पैसे कम करना चाहता है। इस देश में जितनी रीजनल पार्टीज हैं सारे नेताओं को उठा के जो इनके खिलाफ हैं उनको उठा के जेल में डालना चाहता है और उन्हें लगता है कि ऐसा करके जो है वो 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुलावे में और भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्होंने इन नेताओं को जेल में उठा के डाल दिया तो देश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और देश की जनता उन्हें करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और आम आदमी पार्टी ने आज की मीटिंग में तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने देंगे। अगर वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करते हैं तो सारे कार्यकर्ताओं ने एक मत से कहा है कि जेल से सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे या जहाँ भी रहें हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। हमारे नेता एक ही है वो है अरविंद केजरीवाल। तो कार्यकर्ताओं की अखंड आस्था जो है अरविंद केजरीवाल में एक एक कार्यकर्ताओं के साथ। ठीक, जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में 3 फ्लाईओवर बने, आश्रम मंडल पास बना, आश्रम फ्लाईओवर डीएनडी एक्सटेंशन बना और सरायकाले का फ्लाईओवर बना, आप समझ लीजिए कि पिछले 30 सालों में जितना काम नहीं हुआ होगा उतने उससे 30 गुना ज़्यादा काम जो है जंगपुरा विधानसभा इस समय हुआ पिछले 7-8 साल में। ये अरविंद केजरीवाल जी की बदौलत है और उनके नेतृत्व में लगातार पूरी दिल्ली तरक्की कर रही है। राम जी क्या कहेंगे आज? देखिए, पहले भी कह चुके हैं ये राय हमारी होती है, संगठन के लोगों के साथ राय हमारी है कि आने वाले समय में सरकार को या पार्टी को संगठन को कैसे आगे काम करना है, क्योंकि आपको पता है आए दिन केंद्र सरकार मोदी सरकार कोई ना कोई एलिगेशन लगा कि किसी ना किसी नेता को परेशान करती जा रही है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन है पार्टी का, उसमें ये विचार विमर्श हुआ है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से हमें सरकार चलानी है और किस तरह से संगठन को चलाना है। देखिए, आज जो आपने देखा कार्यकर्ताओं में अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी उनका प्यार है, सबका ये कहना था, क्योंकि ऐसा बीजेपी वाले ऐसा फैला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, तो सबका एकजुट होकर सबका यही कहना है कि अगर आप जेल जाते हैं तो आप जेल से सरकार चलेगी, आप इस्तीफा मत दीजिएगा। अरविंद जी ने कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं लेकिन आप एक घर जाके बात करिए। सबको कहना है कि अगर, क्योंकि पूरी दिल्ली के लोग जो मैंडेट है ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का, लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट किए, कोई किसी विधायक को वोट नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को वोट किया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि एक ही घर जाकर पूछें कि अगर जेल भेजते हैं तो सरकार क्या जेल से इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि जनता का निर्णय सर आपको पर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक घर जाकर हमारे कार्यकर्ता लोगों से बात करके और मोदी की जो तानाशाही है इस तानाशाही के बारे में लोगों को बताएंगे। आपने सारा कार्यक्रम देखा होगा, आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें एक छोटे से बूथ के कार्यकर्ता से लेके सांसद, विधायक, पार्षद, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और सीएम साहब जब आए उससे पहले सभी ने एक ही बात कार्यकर्ताओं के बीच में आई, सबने एक ही निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे। अगर कोई भी स्थिति आती है, जिस तरह से हमारे कई नेताओं को जेल में डाला हुआ है, अगर अरविंद जी को भी जेल में डाला जाता है तो सरकार अरविंद जी ही चलाएंगे।